वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे जल्द ही 1000 सब्सक्राइब पूरे होने वाले हैं और मैं उन सभी सब्सक्राइब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इंकरेज किया कि मैंने कोडिंग के नए नए वीडियो लेकर आऊँ। तो आप सभी के लिए बिग वाला थैंक यू। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Hello everyone, welcome to Solution Code Android Channel. My name is Farida. आज का जो टॉपिक है वो एक ecommerce ऐप है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ecommerce ऐप कैसे बनाई जाती है। मैंने यह वीडियो खास बिगनर के लिए बनाया है ताकि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे किए जाते हैं यह जान सके। ecommerce ऐप एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने बहुत कोशिश की कि इस ट्यूटोरियल को एक ही पार्ट में बनाने की, लेकिन मेमोरी कम होने की वजह से मैं इसे बना नहीं पाई। इसलिए मैंने इस ट्यूटोरियल को एक पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे फायरबेस की मदद से, थर्ड पार्ट में हम मेन पेज की यूआई डिज़ाइन करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट में हम फायरबेस की मदद लेंगे और अपने डाटा को फायरबेस में ऐड करेंगे, और पांचवे पार्ट में हम अदर पेज की यूआई डिज़ाइन करेंगे, सिक्स पार्ट में हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे कार्ड में, और सेवन पार्ट में हम नोटिफिकेशन देखेंगे, और एट पार्ट में जो बाकी की कोडिंग होती है वो सभी हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एक यूज़र कैसे एक प्रोडक्ट को परचेस करता है और उसका ऑर्डर किस तरह से पूरा होता है, यह हम देखेंगे।
back.